अब सच सोशल मीडिया पर देखिए एक और स्पेशल रिपोर्ट। झंडा जवान के मुमताज जमींदार इलाके की मशहूर और मरूफ शख्सियत चौधरी मोहम्मद आजम चौधरी तसवर हुसैन नंबरदार और चौधरी मसवर हुसैन के वालदे मोहतरम और चौधरी जुल्फकार अहमद और चौधरी मोहम्मद आरफ के भाई जान और चौधरी फैसल सफदर और चौधरी नदीम आरफ के चचा जान और चौधरी अवैस आजम चौधरी कलब अब्बास मरहूम चौधरी अतजाज़ आजम और चौधरी तसरफ अब्बास के दादा अबू और गांव झंडा जवान की हर दिल अजीज़ शख्सियत चौधरी मोहम्मद असलम नंबरदार की कुल शरीफ का ख़त्म झंडा जवान की जामिया मस्जिद में पढ़ा गया। नमाज जनाजा की तरह ख़त्म कुल में भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिसमें हर शोबा ज़िंदगी से तल्लक रखने वाले लोग मौजूद थे, जिनमें इलाके की बहुत अहम अहम शख्सियात भी शामिल थीं। ख़त्म शरीफ का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया। तलावत कुरान पाक के बाद नात रसूल मकबूल पेश की गई। नात रसूल मकबूल के बाद इलाके के नाम पर जद्दीद उलमाए कराम ने रूह परवर खिताब फरमाए, जिनमें खसूसी खिताब पीर सैयद सरवर हुसैन शाह संधावाला साहबजादा पीर सैयद फैजल हसन शाह साहब और पीर सैयद मदर शाह साहब ने खसूसी खिताब फरमाए। ख़त्म शरीफ के आखिर में मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए इज्तमाई दुआ फरमाई गई। कुल शरीफ में शिरकत करने वाली नुमाया शख्सियात में चौधरी जुल्कनारायण गुजर चौधरी मुजम्मल हुसैन गुजर सैयद सजाद हुसैन शाह सैयद असन शाह पंजाब पुलिस चौधरी आफ्ताब सादक चौधरी मोहम्मद अशरफ रसूलपुर चौधरी हसन तारड़ आजी मोहम्मद अकरम भट्ट मोहम्मद आरफ भट्ट चौधरी अलियास संधावाला खालिद हुसैन बलेसावाला चौधरी उमैर असगर झंडा जवान शामिल थे। और कवरेज के लिए हकीम मोहम्मद आजम चीफ एडिटर हक सच यूट्यूब चैनल और रियाज नवाज तोहीदी ब्यूरो चीफ सिटी 11 न्यूज़ फालिया ने खसूसी तौर पर शिरकत की। सरकार की रहमत ते ओदे तो बगैर तो चारा ही कोई ना, ना दुनिया के अंदर ते ना आखरत के अंदर ना कबर के अंदर ते ना हशर के अंदर हुजूर की रहमत ही ती उम्मीद है ना साडे को, वरना असा ते इबादत भी करिए ते उसके अंदर भी साडे ख्याल दुनिया के अंदर होते, असा इबादत भी करिए ते साडिया सोचा साडे हिसाब किताब दुनिया के अंदर ख्याल तखयलात दुनिया के अंदर रहते हैं। तो हुजूर की रहमत ही होनी है कि कबूल हो जाए। तशरीह ते करो कि लोग फौज दर फौज आवन के अपनी कबरों के विचों वैसल कबूर उबो सिरत कबर जड़िया ने फटी माता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर हो जाए और तेरी पेशानी के विचों नूर निकलता आवे पिया, तेरे आगे भी नूर हो गए तेरे पीछे भी नूर हो गए ते फिर नूर दे इंकारी है कहने को मैं कुल मुनाफिकुन वल मुनाफिका असर के अंदर कहें और नूर आ गए बड़िया पे बाप के क्यों नूर फरमाने रहे कि अब दुआ हो इबादत और दुआ इबादत है। इसका मकसद ये कि मैं और आप हजरात दुआ की महफिल सजा के बैठे हाँ तो दुआ करना ही इबादत फरमाया तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क के सारी कायनात की बादशाहियाँ मेरे हाथ के अंदर ने आखिरत की है फरमाया दुनिया का हुसन की है पर करीम आराम फरमाने ने आखिरत का हुसन की है। सूरत मुकद्दसा पढ़ पढ़ के सुना दे रहे कि अल्लाह ताला फरमाता है शम्स वदुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فأنعمها فضولها وتقواها جو آدمی سوال کرتا ہے اے میری چکی چلانے والے آخر تو کون
बेटा बेटा बाप भाई भाई रिश्तेदार कोई करना भी नहीं हर आदमी हक सच न्यूज चैनल हक सच सोशल मीडिया जहां सनसनी नहीं होंगी खबरें मालूमात से भरपूर तज्जिए वो भी आपकी सिंगल क्लिक पर आज ही विजिट कीजिए हमारा फेसबुक पेज और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत से बाखबर रहिए अक्सर यूट्यूब चैनल